क्वेश्चन क्या लिखे थे कि राइट द नेम्स, नाम लिखे ऑफ ऑथर्स. ऑथर का मतलब लेखक होता है, यानी लेखकों के नाम लिखे ऑफ फॉलोइंग बुक्स. कोई बुक्स है, कोई पोएम है, अलग अलग तरह की बुक्स है यहाँ पर, तो उनके लेखक के नाम आपको बताने हैं. और ट्वेल्थ में तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आगे भी आपको ये काम देगा, लेकिन फिलहाल इतने सारे बुक्स के नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि कभी कभी तीन चार ऑथर्स के नाम पूछ दिए जाते हैं किताबों के नाम जो है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है उसी को हम यहाँ पर नोट किए हुए हैं. तो देखो एक एक करके बताते हैं आपको. सबसे पहला बुक का नाम था, पढ़ने भी सीखेंगे, द स्कॉलर जिप्सी. इसका नाम जो है, किताब का नाम है ये द स्कॉलर जिप्सी. यह एक हम लोग पढ़े हुए हैं, ये सब जितना भी बुक का नाम है लगभग पढ़े हुए हैं, ठीक है. यहाँ पर द स्कॉलर जिप्सी जो है, इसका मतलब वैसे जानना चाहोगे तो जिप्सी मतलब होता है घुमंतू होता है, स्कॉलर मतलब विद्वान. छोड़ो बुक के नाम से, मतलब से छोड़ो, यहाँ पर हमको लेखक का नाम ध्यान रखना है. द स्कॉलर जिप्सी जो है लिखी गई है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा. मैथ्यू आर्नल्ड बहुत ही पॉपुलर ऑथर है, और इस डब्ल्यू छूट गया. मैथ्यू आर्नल्ड, MATHEW, मैथ्यू आर्नल्ड, ARNOLD, ठीक है. मैथ्यू आर्नल्ड जो है, इसी के द्वारा यह किताब द स्कॉलर जिप्सी लिखी गई है. अब दूसरी किताब की तरफ आते हैं. आपने 11th में याद होगा आरके नारायण की एक कहानी पढ़ी थी, स्नेक इन द ग्रास. उसी में ये जो है, इस बुक का भी जिक्र हुआ था, द गाइड. द गाइड जो है उसी के द्वारा लिखा गया है, आरके नारायण. ये आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है. इंडियन ऑथर है, भारतीय लेखक है, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए हमें. आर के नारायण के द्वारा द गाइड लिखी गई है. बहुत बार पूछा भी गया है, ये कॉमन है बहुत ज्यादा, ठीक है. द गाइड जो है, इसके ऑथर कौन है? आर के नारायण. अब उसके बाद देख रहे होंगे कि इतना सारा बुक का नाम, कई बच्चे बोल रहे थे क्या एक ही बुक का नाम है. नहीं, एक ही बुक का नाम नहीं है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के बुक काफी कॉमन है, यानी उनके जितने भी प्लेज है, यहाँ पर ज्यादातर प्लेज ही उन्होंने लिखी है. प्ले ही लिखा है, प्ले मतलब नाटक. लगभग जितना नाम है ना यहाँ पर, सब नाटक ही है, ठीक है. 37 नाटक टोटल लिखा था वो, ठीक है, विलियम शेक्सपियर जो है. इसीलिए यही कारण है कि उनको फादर ऑफ इंग्लिश प्लेज भी कहा जाता है, इंग्लिश नाटक के जनक पिता के तौर पर जाने जाते हैं. तो मैकबेथ बहुत ही पॉपुलर है. मैकबेथ पहले भी शायद बताया हूं, नहीं बताया तो अभी जान लीजिए. मैकबेथ आपको याद होगा, 11th में इसका एक पोएम पढ़े होंगे, द मैरिज ऑफ टू माइंड्स पढ़ाए थे, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है. तो उसमें ये सब नाम आया भी था, मैकबेथ हो गया, अथेलो, ये सब बुक लगभग हम लोग जो पढ़े हुए हैं, अथेलो हो गया, हैमलेट हो गया. हैमलेट हम बताए थे इसके बारे में पहले भी, कि हैदर मूवी जो इसी पर आधारित बनी हुई, बहुत सारी मूवीज बनती है, ठीक है. तो किंग लियर उसके बाद है अगला इनका नाटक का नाम है, किंग लियर. यहाँ पर कोमा देना, ठीक है, अलग अलग नाम है. मैकबेथ, अथेलो, हैमलेट, किंग लियर, उसके बाद ये अलग नाम है, मर्चेंट ऑफ वेनिस. वेनिस एक शहर है इंग्लैंड में, तो मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस. उसके बाद रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट. उसके बाद द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब तूफान होता है. फिर एज यू लाइक इट, ये भी जो है बराबर करके ट्रांसलेशन सब भी बनाते होंगे आप लोग, वॉइस में देखे होंगे ये आया था क्वेश्चन. एज यू लाइक इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक बुक है. उसके बाद ट्वेल्थ नाइट, वैसे हिंदी इसका 12वीं रात होता है, मतलब उसमें कुछ है ऐसा नाटक ये भी है. और उसके बाद जूलियस सेजर पढ़ा जाएगा इसको, जूलियस सेजर, केसर ने पढ़ना है इसको, देखना. जूलियस सेजर, ये सारे बुक्स किनके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा. और ये कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? ये हमारे इंग्लैंड के रहने वाले थे, हमारे इंग्लैंड के नहीं बल्कि इंग्लैंड के रहने वाले थे. हमारा इंग्लैंड कहाँ से हो गया? नहीं जी, हाँ, तो विलियम शेक्सपियर जो है लास्ट में ई हो जाएगा. विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और जन्म उसका स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था. बहुत सारी बातें हैं जानने को. इनका जन्म 1564 में हुआ था, और मृत्यु 1616 में हुई थी. ये सब बात, बहुत सारी बातें हैं जो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल्स में यदि चाहते हैं. तो फिलहाल यहाँ पर हमको ऑथर से नाम था, तो कौन कौन सी बुक्स, इनके जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हैं, खास करके शुरू में जो नाम लिखे हैं पांच, तो काफी पॉपुलर है ये. मैकबेथ, अथेलो, हैमलेट, किंग लियर, उसके बाद यह एज यू लाइक इट हो गया, ये सब काफी कॉमन है ये, ठीक है. ये सारे बुक्स जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये सारे प्लेज हैं, और ये प्ले राइट है, ड्रामेटिस्ट है विलियम शेक्सपियर, बहुत ही पॉपुलर है, इनके द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है. हम अगले बुक की बात करेंगे, आप लोग सुने भी होंगे और जाने भी होंगे, जो इन कल भी हम बता रहे थे, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. यह एक आत्मकथा है जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई है. तो महात्मा गांधी इसके लेखक हैं, खुद ही लिखे हैं अपनी जीवनी को, ठीक है. महात्मा गांधी, ये भी याद रखिएगा, यह उनकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी. उसके बाद है एन ऑटोबायोग्राफी. याद होगा 11th में आप लोग स्टोरी, या स्टोरी तो नहीं कह सकते, एक पीस पढ़े थे पहला, जो एनिमल्स इन प्रिजन पढ़े थे. yes. हाँ, उसके लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. उन्हीं के द्वारा, ये भी उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है ना, ये उनकी आत्मकथा है. एन ऑटोबायोग्राफी जो है, पूछा जाए एग्जाम में कि एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय, या फिर यह किसकी जो है बायोग्राफी है, या किसके द्वारा लिखी गई है, ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा. उसके बाद कोई जानते हो इसको, विंग्स ऑफ फायर, इसके कौन
है लेखक? हाँ, अब्दुल कलाम। ये एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं, उन्हीं के द्वारा उनकी आत्मकथा ही है, या अभी उनकी आत्मकथा ही है, ध्यान रखना, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, याद रखना, बहुत ही पॉपुलर है, पूछा जाता है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, पूरा नाम देख सकते हैं आप लोग, बाद में पता चलेगा, कभी देखिएगा। द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी, यह बहुत ही पतली सी एक नॉवेल है, मेरे पास है भी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ था। इनके लेखक हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ERNEST हेमिंग्वे, HEMINGWAY, बहुत ही पतली सी नॉवेल है, इसको नॉवेला भी कहा जाता है छोटा होने के कारण, और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी, ठीक है। उसके बाद ये दो बुक जो लिखे हैं, ये भी काफी पॉपुलर है, ए टेल ऑफ टू सिटीज है, टेल मतलब कहानी होता है, ए टेल ऑफ टू सिटीज, और उसके अलावा डेविड कॉपरफील्ड, ये पहले 12th में था भी, अभी हट गया है, 50 मार्क्स जब था तो उसमें 50 मार्क्स में आपको डेविड कॉपरफील्ड, ये भी बहुत पतली सी नॉवेल है, इसको पढ़ा जाता था आप लोगों के द्वारा बताया जो यहाँ पर पढ़ा जाता था, अब लेकिन हटा दिया गया चूंकि 150 का इंग्लिश तो है नहीं। तो ये दोनों बुक्स लिखे गए हैं चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, यहाँ नाम याद रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस, अब नाम थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि सारे इंग्लिश नाम है लगभग जितने भी है, तो ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गीतांजलि, ये तो हमारे इंडियन ऑथर है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये तो ध्यान में रख ही सकते हैं, RN टैगोर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, गीतांजलि के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था। और जानते हैं आप लोग कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, 1913 ईस्वी में पहले भारतीय थे, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं दो और नॉवेल जो कि एक ही आदमी के द्वारा लिखा गया है, नॉवेल नहीं बल्कि प्ले कह लीजिए, लव फॉर लव और द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों भी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये दोनों लिखा गया है विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा, विलियम कॉन्ग्रीव, ये भी इंग्लैंड के ही है, विलियम कॉन्ग्रीव इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, नाम थोड़ा मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत होइएगा, विलियम कॉन्ग्रीव होता था विलियम शेक्सपियर। उसके बाद समर इन कोलकाता, ये भी आपके इंडियन ऑथर हैं, आप लोग पढ़े थे माय ग्रैंड मदर्स हाउस, पढ़े हैं ना, उसी में ये आया हुआ भी था, ये उसी से लिया गया है, समर इन कोलकाता से ही वह पोएम ली गई है, ठीक है। तो समर इन कोलकाता लिखा गया किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा। अब आगे बढ़े तो फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखा गया? जॉन कीट्स, एडमंड स्पेंसर होगा, जॉन कीट्स होगा, हाँ जॉन कीट्स, ये आपके बुक में भी है, देख सकते हैं, एक इनका जो पोएम है ओड टू ऑटम शायद है, उसी में ये दिया गया है नाम फेरी क्वीन। हालांकि स्पेलिंग थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, अब इसका नया जो स्पेलिंग होता है कुछ ऐसा होता है, FARYQUEE है, अब ये पुराना सा स्पेलिंग है इसीलिए थोड़ा अलग लग रहा होगा आपको, फेरी क्वीन ये लिखा गया जॉन कीट्स के द्वारा। अब देखो ये जो दो नाम है ये भी बहुत पॉपुलर, अब सोच रहे हो सब पॉपुलर ही है, तो मेन लिखाए ही है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखेंगे। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज का मतलब वैसे हेवन होता है, स्वर्ग होता है, पैराडाइज लॉस्ट, और फिर बाद में लिखा था पैराडाइज रीगेन्ड, आपने जॉन मिल्टन का नाम तो सुना ही होगा, उन्हीं के द्वारा यह दोनों लिखा गया, जॉन मिल्टन जो कि कुछ उम्र बाद अंधे भी हो गए थे, इन्होंने एक पोएम अपने 9th में इनकी एक पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बाद में पढ़ी जाती है इसको। द वेस्टलैंड ये लिखा गया, यह एक कविता है T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया, आप लोग मैं कभी द मिस्ट्री कैट पोएम पढ़े हैं इसका, द वेस्टलैंड जो है T.S. एलियट के द्वारा, इनका पूरा नाम है टोमस स्टीवेंस एलियट। अब आगे बढ़ते हैं वदरिंग हाइट्स, बहुत ही पॉपुलर, वदरिंग हाइट्स जो है मात्र एक ही नॉवेल अपने पूरे जीवन में लिखी थी, एक ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, इमिली ब्रॉन्टे उनका नाम है, ठीक है, इमिली ब्रॉन्टे, ब्रॉन्टे पढ़ेंगे, इमिली ब्रॉन्टे, EMILYBRON, बहुत कम उम्र में इनका डेथ हो गया था, बस एक ही नॉवेल लिखी, ये भी नॉवेल हम लोग जो है बीए में पढ़े हुए हैं, ऑनर्स में जो है ये नॉवेल है भी, ठीक है, बहुत सारे सिलेबस में है। अब यहाँ पर दो और नाम है, एम्मा, अम्मा ने पढ़ना इसको, एम्मा, एम्मा, और ये कॉमन है, एम्मा हो ना हो, दूसरा जो लिखे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, गलत नहीं पढ़ना, प्रेजुडाइस नहीं पढ़ना, हम पहले गलत पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ रहे, तो ध्यान देना यहाँ पर, प्राइड एंड प्रेजुडिस ये बहुत ही पॉपुलर है और पूछा भी जाता है, ये लिखा गया है जेन ऑस्टन के द्वारा, जेन ऑस्टन फीमेल ऑथर है, इंग्लैंड के ही है, इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जेन ऑस्टन के द्वारा। उसके बाद है द रेप ऑफ द लॉ, ये भी काफी पॉपुलर है, इसको भी हम लोग पढ़े हुए हैं और पढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, अलेक्जेंडर पोप, ये भी इंग्लिश ऑथर है, इंग्लैंड के ही है। ये सारे बुक्स के नाम थे, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे आप लोग ताकि ध्यान में रख पाए, क्योंकि दोबारा हम बता ना पाए तो आप ध्यान में इसको रखिएगा, इसीलिए एक बार देखिए फिर से हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला बुक था हमारा द स्कॉलर जिप्सी जो कि मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा लिखा गया है, उसके बाद दूसरा था द गाइड जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण का पूरा नाम भी जो है रामास्वामी
कृष्णा अय्यर, सॉरी पता नहीं हम उल्टा बोल रही है, रामास्वामी कृष्णा स्वामी ऐसे कुछ अय्यर नारायण करके, ठीक है चलो हम ध्यान में नहीं इतना। हाँ इलेवंथ में देख सकते हैं आप लोग, मैकबेथ, अथेलो, हेमलेट, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और जूलियस सीजर, ये सब जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये भी एक इंग्लिश प्लेराइट, इंग्लिश नाटककार है। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर समझा चुके हैं आपको। ऑटो मतलब जो खुद से लिखी जाती है अपनी जीवनी, और बायोग्राफी मतलब जीवनी जब कोई किसी और का लिखता है। उसके बाद देखो एन ऑटोबायोग्राफी जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की जो है ऑटोबायोग्राफी है, ये भी आत्मकथा है उनकी। द ओल्ड मैन एंड द सी, बहुत ही कॉमन है ये, और ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है। गलत गलत नहीं पढ़ना, उच्चारण भी ध्यान से ध्यान में रखना। ए टेल ऑफ टू सिटीज और डेविड कॉपरफील्ड, वास्तव में एक नाम होता है उसमें कैरेक्टर का, उसी के नाम पर किताब के नाम पड़ी है, डेविड कॉपरफील्ड। ये भी बहुत पतली सी दोनों बुक है, दोनों ही चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया, बहुत ही फेमस ऑथर है ये, इंग्लैंड के ही है ये भी, ठीक है। उसके बाद गीतांजलि जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिली थी, मैंने आपको बताया। लव फॉर लव और द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों लिखा गया है विलियम कॉन्ग्रीव, उच्चारण ध्यान में रखेंगे, विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा। द वे ऑफ द वर्ल्ड दोनों उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद समर इन कोलकाता, कमला दास के द्वारा लिखा गया। फेरी क्वीन, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन, पैराडाइज शब्द जैसे आए ध्यान में रखना, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ये दो ही बुक पैराडाइज से रिलेटेड है ही नाम, ठीक है, और बहुत ही फेमस भी है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ये वास्तव में बाइबल से जुड़ा हुआ है, बाइबल आप लोग जानते होंगे क्रिश्चियंस का पवित्र धर्म ग्रंथ होता है, उसी पर आधारित है ये दोनों जो है बुक। द वेस्टलैंड बहुत ही बड़ा पोएम है, पोएट्री कहा जाता है इसको, ये टीएस इलियट के द्वारा लिखी गई है। ये इलियट के हम बताए आपके टेक्स्ट बुक में भी इनकी पोएम है। वदरिंग हाइट्स, इसको पढ़ेंगे, वुदरिंग नहीं पढ़ना, वदरिंग हाइट्स, ठीक है। वदरिंग हाइट्स वास्तव में एक इमारत का नाम होता है, मंजिल का नाम होता है, उसी के नाम पर जो है इस प्ले का नाम, नोवेल का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। एमिली ब्रॉन्टे के द्वारा इसको लिखा गया है। तीन बहनें थी, तीनों बहुत फेमस हैं ये, लेकिन एक ही लिख पाई थी, शार्लेट ब्रॉन्टे है इसकी बहन, एक और है, तीनों बहन थी, तीनों लिखती थी। एमा और प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये दोनों लिखा गया है जेन ऑस्टन के द्वारा। और लास्ट में द रेप ऑफ द लॉक, ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। ये सारे स्पेलिंग्स उच्चारण सब आप ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ किसने कौन सा बुक लिखा ये भी ध्यान में रखना होगा। और एग्जाम में ज्यादा तो नहीं, लेकिन दो तीन मार्क्स का इससे पूछा जा सकता है, होपफुली। अब तो घट गया, पहले चूंकि 50 मार्क्स का था उसमें ज्यादा चांस रहता था, लेकिन फिर भी पूछा जाता है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, ठीक है। नहीं